सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20e 5G फोन में पावर ऑफ बटन पे लॉक कैसे लगाएं। दोस्तों जैसे कि अगर आप लोग नॉर्मली अपने फोन को स्विच ऑफ करने जाते हो, आप पावर बटन पे क्लिक करते हो, आपका फोन तुरंत स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूं, इसे ऑन करने के बाद आप अपने फोन को जब भी पावर ऑफ करने जाओगे आपके फोन में पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि मेरे पास स्मार्टफोन है, मैंने इसको पावर ऑफ बटन पे लॉन्ग प्रेस किया, पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाता है। यहां पर मैं पावर बटन पे क्लिक करता हूं, आपको दिखाता हूं पावर ऑफ बटन पे क्लिक करके। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहां पर एक पासवर्ड का रिक्वायर हो रहा है, क्योंकि इस पासवर्ड को जब मैं अपने फोन में एंटर करूंगा तभी जाकर अपने फोन को पावर ऑफ कर पाऊंगा। अब दोस्तों यहां पर फिर से आपको दिखा देता हूं, जो कि यहां पर मैंने लॉन्ग प्रेस किया और यहां पर हमारे फोन में पावर ऑफ करने का पासवर्ड मांग रहा। तो इस तरीके से आप लोग अपने फोन को कैसे पावर ऑफ पे लॉक लगाओगे, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वीवो के Y20e 5G फोन में आप लोग सेट कर पाओगे। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों वीवो का Y20e 5G फोन यूज करो, इस डिवाइस के अंदर आप लोग अपने पावर ऑफ बटन पे लॉक लगाने के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है। आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे तो आपके फोन में एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा, नीचे आओगे स्क्रॉल करके ऐसे ही यहां पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। यहां पर आपको पास एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन मिलता है, यहां से आप लोग इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर आपका फोन पावर ऑफ मेन्यू पर नहीं क्लिक है, अगर आपके फोन में गूगल असिस्टेंट आ रहा है तो आप इस सेटिंग को कर सकते हो, इनेबल पावर मेन्यू पर आप क्लिक करके रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको बैक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, नीचे आपको ये फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी का, एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके फोन में नीचे स्क्रॉल करके आओगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अनलॉक तो पावर ऑफ का ऑप्शन। अब जैसे यहां पर यूर नीड तो अनलॉक टर्न ऑफ रिसेट द ब्लॉकेट फोन। अब जैसे दोस्तों इस वाले ऑप्शन के आपको ऑफ कर रखा है, ऑफ करने के बाद अगर आपने अपने फोन को स्विच ऑफ करने जाओगे तो आपके फोन में बिना पासवर्ड डाले ही स्विच ऑफ हो जाता है। इसे आपको इनेबल कर लेना है सिर्फ 2 मिनट के अंदर में। इनेबल करने के बाद दोस्तों इससे फायदा क्या होता है, अगर आपका फोन कहीं गुम हो जाता है या गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो जल्दी आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक उसे पासवर्ड नहीं पता होगा। तो इस चीज को आप लोग इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहां से आप लोग बैक करोगे, पावर ऑफ बटन को यहां पर लॉक करोगे, फोन को एक बार फिर पावर ऑफ बटन पर क्लिक करोगे, आपके फोन में स्विच ऑफ करने का ऑप्शन आएगा। यहां पर आप पावर ऑफ बटन पर क्लिक करोगे तो आपके फोन में रिक्वायर पासवर्ड का होगा, पासवर्ड इंटर करोगे। यहां पर जैसे आप अपने फोन में पासवर्ड को इंटर करोगे, यहां पर मैं इंटर करके दिखाता हूं, फिर से मैं अपने फोन को लॉन्ग प्रेस करके स्विच ऑफ करता हूं। तो मैंने स्विच ऑफ करने जाता हूं, यहां पर पावर ऑफ बटन पर क्लिक करके, अब जैसे ही पासवर्ड इंटर करने को बोल रहा है, यहां पर फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को, मैंने पासवर्ड को यहां पर इंटर करता हूं तो यहां पर पासवर्ड इंटर करने को बोलेगा। तो मैं पासवर्ड इंटर करके आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने यहां पर पावर ऑफ बटन पे पासवर्ड को इंटर किया, आप लोग देखोगे मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अदरवाइज आपने इस सेटिंग को इनेबल कहीं नहीं कर रखा है वीवो का Y20e 5G फोन में, तो फाइनली आपका फोन तुरंत डायरेक्ट स्विच ऑफ हो जाता है। तो इससे आपका बचत होगा, इससे आप लोग अपने फोन को अगर गिरा हुआ या गुम हो गया है तो आप लोग आसानी से ढूंढ पाओगे। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इस सेटिंग को अपने फोन में इनेबल करना है, कैसे ऑन करना है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोग को बता चुका हूं। दोस्तों आप लोग जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा के इंप्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर भी देखे से एटीट्यूड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।